आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि ICICI मोबाइल पे ऐप में लॉगिन कैसे करें, पंजीकरण कैसे करें। यदि आप पहली बार ICICI बैंक यूज करना चाहते हैं अकाउंट नंबर, तो आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए आपको आई मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ICICI बैंक का आई मोबाइल ऐप यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है आई मोबाइल ऐप। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है आई मोबाइल पे। सबसे पहले वाला यहाँ पर देखिए ऐप दिखाई दे रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से देखिए अलाउ कर देना है आई मोबाइल का नोटिफिकेशन को, और यहाँ से देखिए फ़ोन कॉल को अलाउ कर देना है, और यहाँ से मैसेजेज वगैरह अलाउ कर देना है। यहाँ से आपको लोकेशन अलाउ कर देना है। यहाँ पर रिफ्रेश होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप नया खाता खोलना चाहते हैं तो ओपन अकाउंट दिया है, इस पर क्लिक करना है। यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप NRI है या इंडियन रेजिडेंट है। यदि आप इंडियन रेजिडेंट है अकाउंट है तो यहाँ पर टिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आई एग्री पर टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है ताकि आपका मोबाइल वेरीफाई हो सके। और यहाँ से फ़ोन सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ ही क्षण में वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड हो जाता है। आपको यहाँ पर पिन चूज करना है, तो 4 डिजिट का पिन आपको टाइप करना है, यहाँ पर भी सिलेक्ट करके और यहाँ पर भी, दोनों जगह कंफर्म करना है। पिन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए आपका पिन सेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेट करना है, तो आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है पहले से, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग ओपन करेंगे। यदि डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको ग्लाइड नंबर टाइप करना है। इस तरह से ग्लाइड नंबर होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं CGL का मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। जो जी में नंबर होगा वो जी में डालेंगे, सी में होगा सी में डालेंगे। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही एक्टिवेशन डन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए प्लीज नोट लिखा हुआ है, दिस ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर फर्स्ट 24 घंटे के अंदर में आपको 10,000 करने होंगे। तो यहाँ पर मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से देखिए लॉगिन के लिए क्विकली पे करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे। यहाँ पर देखिए कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आता है, और यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। लॉगिन हो जाते हैं आप ऐप में। यहाँ पर देखिए ओके लेट्स थैंक्स पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करके बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 0 बैलेंस है अभी, क्योंकि मेरा नया अकाउंट है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड नंबर आप वर्चुअल देख सकते हैं। इस तरह से आई मोबाइल ऐप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।